गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, नव भारतीय परिवार में आपका स्वागत है। लास्ट वीडियो में बच्चों, मैं नेट के एग्जाम के लिए जो आपके कॉम्पिटिशन नेट का जो एग्जाम हो रहा है उसके लिए मैं आपको विभिन्न टॉपिक का वर्णन कर रही हूँ। मैंने लास्ट वीडियो में आपको जो हम शिक्षण के उद्देश्य पढ़ रहे थे, मैंने शिक्षण की परिभाषा आपको समझाई, शिक्षण की विशेषताएं बताई, क्योंकि जो शिक्षण की विशेषताएं हैं वो हमारे इस टॉपिक के लिए या हम जिस एग्जाम की हम तैयारी कर रहे हैं उसके लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में मैंने शिक्षण के उद्देश्य को लेकर ये वीडियो बनाई। लास्ट में मैंने आपको शिक्षण के जो उद्देश्य हैं उनका मैंने निर्देशात्मक वर्गीकरण किया था, निर्देशात्मक उद्देश्य के रूप में, जिसमें प्रथम मैंने आपको ब्लूम के उद्देश्य के बारे में बताया था। ब्लूम के मैंने तीन उद्देश्य आप लोगों को बताया था, उसमें जो तीन उद्देश्य हैं हमारे ब्लूम के, जिसे हम ब्लूम की टैक्सोनॉमी के नाम से जानते हैं। ये कहते हैं कि जो हमारे शिक्षण के उद्देश्य हैं हमें उसे आज के टाइम पे तेजी से अगर हमें सूचना का प्रसार करना है, शिक्षण को हमें आगे बढ़ाना है, तो उन उद्देश्य को निर्धारित जब तक हम नहीं करेंगे तब तक हम शिक्षा को तेजी से हम उसका प्रसारण नहीं कर सकेंगे। अगर हमें उसकी सूचना का प्रसारण करना है तो हमें उसके उद्देश्यों पर ध्यान देना रहेगा, क्योंकि कहते हैं जब हमें लक्ष्य की प्राप्ति करनी है तो लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमें हमारे जो उद्देश्य हैं उन्हें पूरा करना होता है। इसी तरीके से जो हमारे शिक्षण के निर्देशात्मक उद्देश्य थे वो दो थे। प्रथम का हमारा ब्लूम के निर्देशात्मक उद्देश्य, उसमें मैंने आपको ब्लूम के उद्देश्यों को तीन भागों में उनका वर्गीकरण किया था। सबसे पहला था हमारा ज्ञानात्मक पक्ष, फिर था हमारा भावात्मक पक्ष, और तीसरा था हमारा मनोसंचालित, या हम उसे कह सकते हैं हमारा क्रियात्मक पक्ष। इन तीन आधारों पर मैंने आपके ब्लूम के उद्देश्यों का वर्णन किया था। इन तीनों के क्रियात्मक, भावात्मक और हमारा जो ज्ञानात्मक है, तीनों पक्षों का मैंने अलग अलग वर्णन किया था। अब जो इस वीडियो में मैं आपको दूसरा जो उसका वर्गीकरण था, बेले और ब्रिक्स के द्वारा इनके हमारे जो शिक्षण के उद्देश्य हैं उनके बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रही हूँ। बच्चों, सबसे पहले जो हमारे ग्रीन और ब्रिक्स के जो उद्देश्य था, इनका चार भागों में वर्गीकरण किया गया। चार भागों में इनका वर्गीकरण किया गया। अब वर्गीकरण कौन कौन से हैं इसके, जो हमने इसके चार पक्ष चुने, कि चार पक्ष इसके कौन कौन से हैं, चार भागों में हमने जो इनका वर्गीकरण किया वो किस तरीके से किया, तो सबसे पहला वर्गीकरण है हमारा इनका, सर्वप्रथम है ब्लूम का, जो हमारे ब्रिक्स हैं, ब्रिक्स के प्रथम है हमारा इसका बौद्धिक कौशल, बौद्धिक कौशल प्रथम है हमारा इसका, जो हम इसका वर्गीकरण कर रहे हैं। सेकंड है हमारा इसका ज्ञानात्मक रणनीतियां। इनकी प्रत्येक जो हमने इनका वर्गीकरण किया है इनका भी मैं आपको पूरा वर्णन बताऊंगी। थर्ड है हमारा इसमें मौखिक सूचना, और जो फोर्थ है हमारा इसका लास्ट जो हमारा वर्गीकरण है वो है हमारा, हमारे इनका बच्चों चार भागों में इसका जो हमने वर्गीकरण किया है वो थोड़ा सा मिस्टेक हुआ हमारा, चार भागों में ना करके हमने ब्रिक्स और ग्रेने ने पांच भागों में, प्रथम था हमारा बौद्धिक कौशल, सेकंड था ज्ञानात्मक, थर्ड था हमारा मौखिक सूचना, और फोर्थ है हमारा, जो फोर्थ नंबर पे है हमारा ब्रिक्स का है हमारा फोर्थ, संचालन तंत्र व हमारे शारीरिक तंत्र, और जो फिफ्थ
नंबर पे है हमारा इसका, ये फिफ्थ नंबर पे है हमारा इसकी मनोदृष्टि, 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 संचालन तंत्र, या हम इसे शारीरिक क्षमता, शारीरिक क्षमता कह सकते हैं, शारीरिक क्षमता। इन पांच भागों में डेनिया ब्रिग्स ने इन्हें पांच भागों में इनका वर्गीकरण किया है। प्रथम का हमारा बौद्धिक कौशल, सेकंड का हमारा ज्ञानात्मक रणनीतियां, थर्ड थी हमारी इसकी मौखिक सोचना, फोर्थ है हमारा संचालन तंत्र या हमारी शारीरिक क्षमता, और लास्ट है हमारा इसका मनोदृष्टि। अब आता है बच्चों सर्वप्रथम आता हमारा है इसका बौद्धिक कौशल, बौद्धिक कौशल। बौद्धिक कौशल के लिए हम क्या कहेंगे, बौद्धिक कौशल हम ये जानते हैं कि यह है किसी भी कौशल को बुद्धि से, अर्थात हम जिस चीज समस्या को सुलझाते हैं वो समस्या को सुलझाना हमारी कौन सा है, बौद्धिक कौशल। यानी कि जब हमारे सामने कोई समस्या आती है, अगर हम यहाँ कहें कि हम जो हमारा विषय वस्तु जो कंटेंट हम तैयार करते हैं वो कंटेंट हम किसके आधार पर, हमारी बौद्धिक कौशल पर। कहा जाता है कि जितना हमें उसके विषय के बारे में ज्ञान होगा उतना अच्छा हम ज्ञान प्रदान करेंगे। तो ये हमारा क्या है, बौद्धिक कौशल, ये किस तरीके से हम उसे समझते हैं और उसका हम प्रेजेंटेशन करते हैं, प्रस्तुतिकरण करते हैं। अर्थात हम ये कहेंगे कि समझ हमारी समस्या को सुलझाने और हमारे सीखने की जो अवधारणा होती है उन नियमों को सीखने के लिए हमारे ये सबसे महत्वपूर्ण होता है बौद्धिक, क्योंकि ये कैपेसिटी की जैसे कि हम कितना उसके बारे में, हम कितना हम उसके बारे में सीख सकते हैं ये भी हमारा किस पर डिपेंड होता है, हमारे मानसिक स्तर पर, हमारी बौद्धिक क्षमता पर। मैंने बताया भी था आपके शिक्षण के तीन स्तर होते हैं, जो मैंने पिछली लास्ट वीडियो में आपको बताया कि शिक्षण के तीन स्तर हमारे स्मृति, चिंतन, हमने इन तीनों का जो मैंने वर्णन किया ये क्या है हमारे बौद्धिक कौशल, हमारी बुद्धि के। तो वही चीज है कि जो हम सीखते हैं और हम जो ज्ञान प्रदान करते हैं वो किसके आधार पर देते हैं, हमारे बौद्धिक कौशल के आधार पर। हमें जब हमारे सामने जो समस्या प्रस्तुत होती है उसका निवारण प्रत्येक व्यक्ति किसके आधार पर करता है, अपनी समझ के आधार पर, अपनी बुद्धि, अपनी बौद्धिक क्षमता के आधार पर, किस तरीके से वो अपनी समस्या को सॉल्व करते हैं, उस समस्या से वो बाहर निकलते हैं, उस समस्या का निराकरण ढूंढते हैं, और साथ में इसके लिए कहते हैं कि हम किस तरीके से हमारी जो सीखने की हमारी कैपेसिटी होती है बुद्धि की, वो भी हमारी बौद्धिक कौशल पर होता है। हम कैसे कहते हैं कि हम ये देखते हैं कि हम जो बच्चों का डिवाइडेशन करते थे कि बहुत इंटेलिजेंट बच्चा है, हम यह कहें कि नहीं ये तो मीडियम है, सीख भी लेता है नहीं भी, या हम किसी को कहें कि बहुत कम सीख पाता है, हम किसके आधार पर, बौद्धिक कौशल के आधार पर, कि किस तरीके से बच्चे सीखते हैं, जितनी उसकी बौद्धिक क्षमता तेज होगी बच्चा उतना ही सीखने के लिए आगे जाएगा। तो इसके लिए हम कहेंगे कि हमारी जो समस्या है, हमारी समस्या को सुलझाने के लिए और हमारी सीखने की आवश्यकता, और हम ये कहें कि उसके लिए हमें किन नियमों को प्रतिपादित करना है, ये सब हमारा बौद्धिक कौशल में आता है। तो प्रथम हुआ हमारा इसका बौद्धिक कौशल, सेकंड है हमारा इसका ज्ञानात्मक रणनीतियां, ज्ञानात्मक रणनीतियां। जब हम कोई कार्य करते हैं हम भी देखते हैं कि शिक्षक जब हमें अध्ययन करवाने कक्षा में आते हैं उससे पहले भी वो अपनी रणनीति तैयार करके आते हैं, अर्थात वो अपनी रूपरेखा बनाकर आते हैं। तो यहाँ जो गैलियर ब्रिक्स कहते हैं कि शिक्षण का उद्देश्य क्या होता है, हमारी ज्ञानात्मक रणनीतियां बनाना, उसका प्रारूप हमें पहले तैयार कर लेना कि हमें किस तरीके से किन किन पक्षों को हमें बच्चों को बताना है। अर्थात हम यहाँ देखें तो हमें किस तरीके से बच्चों के सामने उसे प्रस्तुत करना है, हमारा प्रस्तुतिकरण व्यक्ति के स्वयं के जो उसके लिए हम कहें शिक्षण की जो स्मरण शक्ति, उसके विचार कौशल जो विकसित करते हैं वो कौन सा पक्ष होता है, ज्ञानात्मक। क्योंकि जैसे जैसे उसका ज्ञान बढ़ेगा तो उनका कौन सा पक्ष मजबूत होगा, ज्ञानात्मक पक्ष। यानी कि हम जिन चीजों के बारे में जानना चाह रहे हैं, जिन महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में जो हम बच्चों को बताने जा रहे हैं, तो वो ज्ञानात्मक यानी उससे संबंधित जिसके बारे में हम ज्ञान प्रस्तुत करने जा रहे हैं, उस ज्ञान के बारे में हमें समस्त हमारी रूपरेखा तैयार
तैयार करनी होती है और उससे संबंधित हमें समस्त ज्ञान ग्रहण भी करना होता है। हम उसके आधार पर क्या करते हैं, व्यक्ति स्वयं, हम ये कहें यहाँ शिक्षक की बात कर रहे हैं, शिक्षक की बात चल रही है हमारी, तो हम यह कह सकते हैं शिक्षक स्वयं उस चीज को निर्धारित करता है कि बच्चों को जो हम ज्ञान देने जा रहे हैं, जो हम उनका ज्ञानात्मक पक्ष मजबूत करने जा रहे हैं, जो कि हमारे बौद्धिक कौशल से, क्योंकि फर्स्ट हम कहाँ जाएंगे, बुद्धि पर, बुद्धि से हमारा किसका कौशल का अग्रसित हो गया, ज्ञानात्मक पक्ष से, क्योंकि हमें उससे संबंधित जो जिस विषय वस्तु के बारे में हम बच्चों को बता रहे हैं, उस विषय वस्तु की हम ज्ञानात्मक या उससे संबंधित ज्ञान की हम पहले से ही रूपरेखा रणनीति बना लेते हैं कि हमें किस तरह से कार्य करते हैं। क्योंकि कहा जाता है कि अगर हम कार्य की पहले से हम रूपरेखा नहीं बनाते हैं तो वो कार्य हमारा अप्रभावशाली होता है, या हम कहें कि उसके महत्वपूर्ण छोटे छोटे ऐसे पॉइंट रह जाते हैं जो हम बच्चों को बता नहीं पाते हैं, क्योंकि वही महत्वपूर्ण पॉइंट उस बच्चे को उस ज्ञान की ओर लेके जाते हैं, उसे पूरा ज्ञान देते हैं उस विषय वस्तु के बारे में। लेकिन अगर हमने उसके लिए रणनीति नहीं बनाई है तो क्या होगा, वो जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो हमारे छूट जाएंगे। अगर वो महत्वपूर्ण बिंदु छूट जाते हैं और हमसे वही चीज उसके बारे में पूछ ली जाती है और हम नहीं बताते हैं, तो इससे हमें क्या होगा कि हमारे लिए हमारा जो ज्ञानात्मक पक्ष है वो हमारा मजबूत नहीं है, या कहें कि हमें उससे संबंधित हमारी ज्ञान की प्राप्ति पूर्ण रूप से नहीं हो पाई है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि व्यक्ति के स्वयं के शिक्षण का जो हमारी स्मरण शक्ति है, हमारे विचार कौशल है, इन सबको विकसित करने के लिए हम ज्ञानात्मक पक्ष में विभिन्न हम टेक्निक यूज में लेते हैं, विभिन्न विधियों का हम प्रयोग करते हैं कि किस तरीके से हम विद्यार्थी का ज्ञानात्मक पक्ष मजबूत कर सकते हैं। अर्थात हम उन्हें ऐसे कौन से, कई बार शिक्षक चाहते हैं ना कि हम किस मेथड से बच्चों को पढ़ाएं जिससे बच्चे जो ज्ञान शिक्षक दे रहे हैं उस ज्ञान को वो जल्दी से अर्जित करें। तो यहाँ जब हम ज्ञानात्मक पक्ष की बात करते हैं तो यहाँ जो हम रूपरेखा बनाते हैं, इस रूपरेखा में शिक्षक क्या करते हैं, शिक्षक अपने लिए किन विधि के द्वारा बच्चों को पढ़ाना है, उनके लिए कौन सी तकनीक काम में लेना है, हमें जो उपकरण काम में लेना है, ये सब चीजें हम यहाँ इस रणनीति में तैयार करते हैं। प्रथम हमने बताया इसका बौद्धिक कौशल, सेकंड था हमारा ज्ञानात्मक रणनीति, और थर्ड है हमारा इसका मौखिक सूचना, मौखिक यानी कि जो हम बच्चों को बोलकर व्यक्त करते हैं। हम देखते हैं मौखिक सूचना यह किसी व्यक्ति के द्वारा प्राप्त किए हुए ज्ञान के द्वारा हम जो आयोजन करने के संदर्भ में होता है, हम मौखिक रूप से ये बताते हैं बच्चों को कि हम इसके बारे में हमें ज्ञान प्राप्त होने वाला है या हमें ज्ञान इस चीज के संबंधित हमें ज्ञान दिया जाएगा। तो ये मौखिक सूचना जिसे हम कहें कि अगर हम इसके मौखिक सूचना जो शिक्षक हमें समझाते हैं, जिसे हमें बजाय लिखने के पहले शिक्षक क्या करेंगे, अपनी चीज को बच्चों को जब तक बोलकर हम उसे व्यक्त नहीं करेंगे, उसे समझाएंगे नहीं, तब तक बच्चों के समझ में नहीं आता। इसलिए कहा जाता है जितना बोलकर हम ओरली समझा सकते हैं उतना हम बच्चों के लिए लिख नहीं पाते। इसीलिए अगर हमें ज्ञान शिक्षण हमें करवाया जा रहा है, हम शिक्षण करवा रहे हैं, तो शिक्षण के लिए हमारी मौखिक सूचना या हम कहें हमारा जो संप्रेषण है वो कैसा होना चाहिए, हमारा मौखिक, क्योंकि जितना हम बोल पाते हैं उतना हम लिख नहीं पाते। बोलकर जितना अच्छा हम विद्यार्थी को समझा सकते हैं, क्योंकि समझाने में हमें उसकी पूर्ण समय भी हमें मौखिक रूप में मिलता है, तो इसके लिए हम कहते हैं कि किसी व्यक्ति के द्वारा प्राप्त किए हुए ज्ञान का हम आयोजन करने के संदर्भ, क्योंकि हमने देखा है कई बार हमारे जो सेमिनार्स वगैरह होते हैं तो हम क्या देखते हैं कि अदर कॉलेज से शिक्षक आते हैं या हमारे कॉलेज से शिक्षक हमें वहां बिठा के ओरली हमें हमारे, चाहे वो हमें उस चीज के बारे में समझाते हैं, हमारे उस चीज का आयोजन किया जाता है। तो हमें शिक्षण को आगे बढ़ाने के लिए हमारे इसके लिए हमें मौखिक सूचना भी प्रदान होनी चाहिए कि किस तरीके से हमारे इस ज्ञान का आयोजन किया जा रहा है, हमें समझाया जा रहा है। फिर है बच्चों हमारा फोर्थ नंबर पे है हमारा संचालन तंत्र, या हम इसे कह सकते हैं शारीरिक क्षमता, संचालन
संचालन तंत्र या शारीरिक क्षमता, शारीरिक क्षमता। ये हम चीज मानते हैं कि हमारी शारीरिक क्षमता के अनुसार ही हम कोई कार्य करते हैं और उसी के आधार पर हमारे जो शारीरिक तंत्र है, अगर हम कहें कि हमारे हाथ, हमारे पैर, हमारे मस्तिष्क या हम कहें हमारी सीधी जो हमारी इंद्रियां होती हैं, ये जो भी हमारे संचालन तंत्र में हमारी हिस्सा बनते हैं, ये हमारे किसके आधार पर होते हैं? हमारी शारीरिक क्षमता के आधार पर। जैसा हमारी क्षमता होगी हम उसी आधार पर कार्य करते हैं। जिस तरीके से हमने बॉडी क्वेश्चन के लिए कहा कि हमारे जो आईक्यू हमारा जिस लेवल पे है, हम अपने स्तर के अकॉर्डिंग ही हम उसे सीख पाते हैं। वही चीज यहाँ पे कि संचालन तंत्र किस पर आधारित होता है? संचालन तंत्र हमारा जो संचालन तंत्र किस पर है हमारा? शारीरिक क्षमता पर। शारीरिक क्षमता पर कि किस तरह से उसे हम संचालित करते हैं। इसके आयोजन के अंतर्गत जब व्यक्ति क्या करते हैं, मस्तिष्क हमारी, हमारी तंत्रिका प्रणाली, हमारे जो भी हमारी इंद्रियां हैं, ये इनको एक साथ क्या मिलकर क्या करते हैं? कार्य करते हैं। और कार्य करने में उन्हें क्या करना पड़ता है? उन्हें सामंजस्य किस तरह से स्थापित करना है ये हमें बताया, क्योंकि संचालन तंत्र इनके द्वारा जब हम संचालित कर रहे हैं तो उसके द्वारा हमारी, उसके अकॉर्डिंग हमारी शारीरिक क्षमता भी होनी चाहिए, कार्य करने की हमारी क्षमता भी होनी चाहिए। अगर हमारे संचालन तंत्र हमें ये कहते हैं कि हमारा जो हमारा हम करने की हमारी शारीरिक क्षमता हम वीक है, एक बच्चा बहुत वीक है, तो वो बच्चा जहाँ उसका संचालन तंत्र है वो उसके अकॉर्डिंग कार्य नहीं कर पाएगा। इसीलिए कहते हैं कि हमारी इंद्रियों में और हमारी कर्मेंद्रियों दोनों में हमारा क्या होना चाहिए? सामंजस्य होना चाहिए, जिससे हम क्या करते हैं कि हमारी शारीरिक क्षमता के अनुसार हम कार्य करते हैं, जो हमारी जिस कार्य का संचालन करते हैं। तो इसके लिए हमें दोनों में सामंजस्य होना चाहिए, जिससे कि हम हमारे कार्य को आगे की ओर लेकर जाएं। और पांचवा है बच्चों हमारा इसका लास्ट, मनोदृष्टि। मनोदृष्टि ये है हमारे ब्रिक्स के लास्ट पांचवा उद्देश्य। मनोदृष्टि क्या होती है? मन की दृष्टि, यानी कि आत्मा का दर्शन, जिसे हम मनोवैज्ञानिक भी कह सकते हैं। हम जानते हैं कि जब हम बच्चों को शिक्षण करवाते हैं तो सर्वप्रथम जहां हम इन सब चीजों का ध्यान रखते हैं वहां पर हम बच्चों की मनोदृष्टि का भी ध्यान रखते हैं, क्योंकि शिक्षक ऐसे होते हैं जो बच्चों की मनोदशा को समझते हैं। अब मनोदृष्टि यानी कि हमारी आत्मा की दृष्टि, कि हम जो बच्चों को पढ़ा रहे हैं क्या हम उनको उनके स्तर के अनुसार पढ़ा रहे हैं, यानी कि ये हमें खुद को, या हम कहें कि जो कार्य हम कर रहे हैं उसे हमारी आत्मा को भी इस कार्य को स्वीकार करना है, यही हमारी मनोदृष्टि है। स्वयं की दृष्टि की किस तरीके से हम बच्चों को अध्ययन करवा रहे हैं, किसी भी व्यक्ति की आंतरिक या मानसिक स्थिति को व्यक्त करना हमारी मनोदृष्टि है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे जो ब्रिक्स के ये शिक्षण के उद्देश्य थे, ये पांच प्रकार के थे, इनका मैंने आज आपको पांचों जो हमारे शिक्षण के उद्देश्य हैं इनका मैंने वर्णन किया। प्रथम बौद्धिक कौशल, सेकंड ज्ञानात्मक रणनीतियां, थर्ड हमारी मौखिक सूचना, फोर्थ था हमारा संचालन तंत्र और शारीरिक क्षमता, और पांचवा था हमारा मनोदृष्टि। ये हमारे ब्रिक्स के और गैने के शिक्षण के उद्देश्य थे। धन्यवाद।